नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मीन्स क्या हुआ? ऑन मिक्सिंग टुगेदर वन s एंड एनी टू p ऑर्बिटल, sp2 का मीन्स होगा एक s और दो p ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर बिलोंगिंग टू द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ ए गिवन मॉलिक्यूल्स और आयन, ए सेट ऑफ थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑब्टेन्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से मतलब है कि जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिक्सड होकर इक्वल एनर्जी के न्यू थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी कि एक s और दो p दोनों मिलकर कितने बनाएंगे? थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे, तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को हम कहेंगे sp2। sp2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक s का है और दो p के ऑर्बिटल है, तो इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को हम किस नाम से नॉमिनेट करते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, दिस प्रोसेस नोन एज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म आर टर्म्ड एज sp2 हाइब्रिड प्रोसेस कैन बी शोन इन गिवन ब्लू। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए मैंने आपको बोला कि एक s और दो p ऑर्बिटल मिक्सड होते हैं, तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को किस नाम से नॉमिनेट करते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से नॉमिनेट करते हैं। ठीक, इसकी पिक्चर में आपको ये शो करती हूँ। एस ऑर्बिटल आपको पता है, एस ऑर्बिटल क्या होता है? स्पेरिकल शेप का होता है, तो दिस एस ऑर्बिटल इज इन स्पेरिकल शेप। ठीक, दो पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल आपको ये क्लियर है। पी ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस में होते हैं। ठीक है, और आपको क्या होते हैं? एक्स एक्सेस में भी शो कर, वाई एक्सेस में होते हैं, एक्स एक्सेस में होते हैं और जेड एक्सेस में होते हैं, तीन एक्सेस में आपके होते हैं। ठीक है, सेपरेटली बोलो तो ये एक्स एक्सिस में हो गया आपके, ठीक है, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस में हो गया, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस में, तीन एक्सिस में आपके पी ऑर्बिटल आपके प्रेजेंट होते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया एक s और दो p ऑर्बिटल मिक्स्ड होंगे, तो ये हो गया वन एक फर्स्ट ऑर्बिटल हो गया, s ऑर्बिटल हो गया, दो p ऑर्बिटल, एक x एक्सिस का, एक y एक्सिस का है, और मिक्स होकर हमारा किस तरह से करेंगे? देखिए, मैं इसको सेपरेटली आ समझाती हूँ, तो डायग्राम बनाया आपका। ठीक, sp2 ये आपका दो ऑर्बिटल मिक्स होकर हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल, हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, और हमारा यहाँ पर जो एंगल होगा sp2 में, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है? 120 का एंगल बनता है। ये एक s ऑर्बिटल हो गया, ये आपका p ऑर्बिटल हो गया, मिक्स्ड होकर 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइग्लोनर, प्लेनर और बॉन्ड एंगल इनके बीच में कितना होगा? 120। ठीक, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल पाया जाएगा कितना होगा? 120 बॉन्ड एंगल पाया जाएगा, 120 बॉन्ड एंगल पाया जाएगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि आप ये कैसे करेंगे? इसको करने के लिए मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स बाद में एक्सप्लेन करेंगे, इसको करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको लिया है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारा कोई भी bx3 x की पोजीशन पे हम क्या ले सकते हैं? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हैलोजन, क्लोरीन, यानी कि कोई भी हैलोजन और हाइड्रोजन। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं bf3 या bcl3, bi3 एटसेट्रा, तो वी टेक द एग्जांपल ऑफ bf3। हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं? bf3। BF3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? ठीक, इससे पहले मैं कई UAE की साइड में आपको वीडियो डाल चुकी हूँ कि आप किसी भी शॉर्ट ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो आज एक बार फिर बताती हूँ इसको फाइंड करने की कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। पहले ट्रिक से फाइंड कर लेते हैं कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक, H=2:1/2V+M-C+A। ठीक, आपको एक ट्रिक का फॉर्मूला मैं आपको पहले भी एक वीडियो जो मैंने आपको बताए हैं उसमें शो कर रखा है कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आज मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो H=1/2, V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंटर मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरोन है तो बोरोन के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में एटम नंबर 6 हो गया, एटम नंबर बोरोन है, बोरोन के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। एटम नंबर कितना होगा आपका? 5 है, और आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 3। M का मतलब होता है मोनोवैलेंसी, मोनोवैलेंसी मींस या तो हाइड्रोजन जिसकी वैलेंसी एक होगी, या तो हाइड्रोजन या हैलोजन, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, और दूसरे क्या होता है? हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं जिनकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन क्या है? हैलोजन है, कितने हैलोजन है? 3 हैलोजन है, तो दिस इज द 3 हैलोजन, टोटल गिव 6/2, दैट इज 3। 3 का मीन्स हो गया कि आपका BF3 या BXX का मतलब आपको मैंने बता दिया, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, दैट मींस हैलोजन, कि 3 s ऑर्बिटल, 3
ऑर्बिटल मिलकर बॉन्डिंग को शो करेंगे, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, एक s और दो p के ऑर्बिटल, तो दो ये होगा एक ये होगा, टोटल मिलाकर कितनी नहीं होगा, यानी कि ये हमारे इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं और हमें क्लियर हो गया कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। बट क्वेश्चन उठता है कि ये तो हमने ट्रिक से फाइंड करा कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्वेश्चन उठता है कि जो मैंने ये डायग्राम बनाया था ये कैसे आया और ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे शो करेंगे। तो देखिए मैं आपको इसको समझाती हूँ कि इस हाइब्रिडाइजेशन को आप कैसे शो करेंगे। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, फिर वही एग्जांपल लेते हैं, हम BF3 को ही लेते हैं, BF3, ठीक, BF3 हमने BF3 लिया, ये हो गया बोरोन, एटम नंबर हो गया 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p1, ठीक है, 1s2 2s2 2p1। इन बोरॉन को हम क्या दिखाएंगे, पहले सर्वप्रथम हम ग्राउंड स्टेट में शो करेंगे। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है मूल अवस्था जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मतलब जैसे एज इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होते हैं उसी में प्रेजेंट करना उसकी क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट, यानी कि मूल अवस्था कहलाती है। तो 1s ऑर्बिटल तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के रूल के अकॉर्डिंग मिक्सिंग ऑफ टू इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स इन दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, और 1s के साथ उसके इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी का कोई ऑर्बिटल नहीं होता। इसके बारे में डिस्क्राइब पहले की वीडियो में कर चुकी हूँ, आप उसमें चेक करिएगा। तो ये हो गया आपका 2s, तो फर्स्ट आप हमने लिया 2s, दिस इज द 2s एंड दिस वन इज द 2p रिप्रेजेंट इन ए ग्राउंड स्टेट, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सेंटर एटम, सेंटर एटम के हमने ग्राउंड स्टेट शो कर दी। देन सेकंड स्टेप वी फॉलो द एक्साइटेड स्टेट, वी फॉलो द एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो आपकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे बिकम मूव टू द हायर एनर्जी लेवल, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज द पेयर इलेक्ट्रॉन एंड मूव टू द हायर एनर्जी लेवल, दैट इज 2p, सो दिस इज द सिंगल इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन इज एज इट इज एंड दिस इलेक्ट्रॉन मूव टू द हायर एनर्जी लेवल, सो वी गेट द 3 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग विद द फ्लोरिन क्लोरिन हाइड्रोजन सो ऑन। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जितने भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे हमने उसको क्या हुआ, उच्च ऊर्जा स्तर में ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाके इस तरह से एक्साइटेड स्टेट में शो करते हैं। अब हमारे पास तीन फ्लोरिन है, तो फर्स्ट फ्लोरिन शुड बी बॉन्डेड विद द बोरॉन, सेकेंड फ्लोरिन ऑल्सो बॉन्डेड विद द फ्लोरिन, थर्ड फ्लोरिन ऑल्सो बॉन्डिंग विद द बोरॉन, सो दिस इज द फर्स्ट फ्लोरिन, सेकेंड फ्लोरिन एंड थर्ड फ्लोरिन, सो दिस ऑर्बिटल इज द एस ऑर्बिटल, यू नो दैट, एंड दिस इज द पी ऑर्बिटल, यू नो दैट, एंड दिस इज द ऑल्सो पी ऑर्बिटल, तो वी गेट द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब है इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम इस तरह से बुक कॉपी में रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक बार इसको रीड करके बता देती हूँ करेक्टरिस्टिक्स, क्वेश्चन ये उठता है कि मैं ये कह रही हूँ द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट एनर्जी एंड सेम आर द ओरिएंटेड टुवर्ड एज ए कॉर्नर ऑफ द इक्विवेलेंट ट्राइंगल, हेंस द इंडिकेट एन एंगल इज 120 व्हिच एन अनदर लीडिंग टू द ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। मैंने क्या कहा, इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल हो रहा है 120 का हो रहा है और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि इसकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर होती है, हमने हाइब्रिडाइजेशन तो बता दिया कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, पहले हमने ट्रिक से फाइंड करा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, फिर हमने ये देख लिया कि वास्तव में इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रहा है। बट ज्योमेट्री इज द ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर का मतलब हो गया दिस इज द ट्राइंगल, अगर देखेंगे तो दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज बोरॉन, तीन क्लोरिन होगा, 1 क्लोरिन या ऑब्लिक फ्लोरिन जो भी आप लेना चाहे फ्लोरिन, ठीक है, दिस इज फ्लोरिन, दिस इज फ्लोरिन, ठीक है, फ्लोरिन भी ले लेते हैं, क्लोरीन को हमने लिया नहीं था, एक ही बात है हमारी, तो हमने लिया 3 क्लोरीन हो गए, 3 हमारे फ्लोरिन हो गए, 3 फ्लोरिन बॉन्डेड विद द सेंटर मेटल, सो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल का मतलब दिस इज द ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज द प्लेन एंड दिस एंगल शुड बी व्हाट, दिस इज द एंगल एंड दिस शुड बी 120, ये एंगल कितना पाया जाता है, ये एंगल कितना दिखता है हमें, 120 का दिखता है, सो दे हैव लाइन इन द वन प्लेन इज द प्लेनर, क्योंकि ये एक प्लेन में पाए जाते हैं, प्लेन प्लेन का मतलब जो भी ज्योमेट्री बनती है हमारे केमिस्ट्री में 3D बनती है, तो प्लेन के अबव प्लेन के बिलो पाई जाती है, ये हमारा प्लेन के अबव पाई जा रही है, बिलो नहीं है, तो दैट मीन्स अबव बिलो की बात नहीं आ रही है, क्योंकि अब आगे आप जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे sp2 से आगे बढ़ देंगे sp3 sp3d, तो आपको ज्योमेट्री प्लेन के अबव प्लेन के बिलो दिखाई देगी, बट यहाँ पर इट शुड बी अलाइन इन ए वन प्लेन, ये हमारे क्या होते हैं एक प्लेन में पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। नंबर 3, दिस पजेस 33% ऑफ एस करेक्टर एंड 66% ऑफ पी करेक्टर एंड देयरफॉर आर लेस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसमें
sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो होता है एक एस और दो पी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से एस का कितना करेक्टर है, 33% करेक्टर एस करेक्टर है, और ये दोनों जो मिलके बनाते हैं वो कितना परसेंट होता है, 66% पी करेक्टर होता है, यानी कि पी का ज्यादा इन्वॉल्वेशन होता है कंपेयर टू द एस ऑर्बिटल, और जो कि किससे कम होता है, दिस इज लेस देन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि sp जो हाइब्रिडाइजेशन होता था हमारा, जो पहला हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया था sp बताया था, आज मैं आपको बता रही हूँ sp2, तो sp में जो s कैरेक्टर होता था वो 50% होता था, और p कैरेक्टर भी कितना परसेंट होता था, 50% होता था, दोनों कैरेक्टर इक्वल होते थे, लेकिन sp2 में s कैरेक्टर कितना हो जाता है, 33%, और p कैरेक्टर आपका कितना होता है, 66% बन जाता है, यानी कि p कैरेक्टर बढ़ता गया और s कैरेक्टर क्या होता गया, डाउन होता गया, और इस तरह से हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया गया, sp3, और हमारे बॉन्ड एंगल कितना गया, 120 फाइंड आउट. तो इस तरह से हमारा जो जिसकी ज्योमेट्री हो रही है ये क्या है, ट्राइगोनल, दिस इज द ट्राइगोनल, प्लेनर, प्लेनर क्यों कहा है, मैंने अलग से ये एक पॉइंट बना के बता रखा है, प्लेनर, प्लेनर मतलब वो एक प्लेन पर है, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन की बात ही नहीं आ रही है, ठीक, तो एक प्लेन पर है, एक तल पर है, एंड और उसमें करेक्टर कितना है, एस करेक्टर 33% है, और पी करेक्टर कितना है आपका, 66% है, दोनों मिलकर 100% करेक्टर को फॉलो करते हैं, तो इस तरह से हमारे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये हाइब्रिडाइजेशन कौन किस हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं. तो इसके मुख्य एग्जाम्पल आपका कौन सा है, मैंने आपको बताया बी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा वो बताया BF3, आप इसके अलावा कुछ और भी ले सकते हो, लाइक दैट BCl3, लाइक दैट BH3, एल्यूमिनियम बोरॉन फैमिली का कोई भी ले सकते हो, तो आप इसमें ये भी ले सकते हो AlCl3, ठीक है, AlF3, ओके, तो इस तरह की जो भी आपके थ्री जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन को इंडिकेट करते हैं, और हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, थैंक यू. हमारा ये हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल एंड प्रोड्यूस ए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो हमने आज जो पढ़ा एक s और दो p ऑर्बिटल को मिक्स करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. नेक्स्ट आपका हाइब्रिडाइजेशन जो चलेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन से आप कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.